नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी खबर। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दो अपडेट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो ये किस यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है बड़ी अपडेट, यहाँ पर देख सकते हो, JNVU यानी कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक तो ये देख सकते हो कि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से छात्र छात्राएं प्रवेश पत्र का नाम के तौर पर उपयोग कर सकेंगे, ऑनलाइन डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। साथ में JNVU की PG परीक्षाएं आज से 1.5 घंटे का ही होगा पेपर, यानी कि आज 5 मई से JNVU की जो PG की परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होने जा रही है, और जो UG की परीक्षा है वो लगभग 20 मई के लगभग स्टार्ट होने वाली है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में एक और अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न पत्र पहले छपे अब आधा ही करना है, यानी कि JNVU ने सामान्य परीक्षा की तरह प्रश्न पत्र की छपाई पहले से कर ली थी, लेकिन अब उसे प्रश्न पत्र से आधा ही हल करना होगा। वैसे तो COVID-19 की दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को बंद नहीं किया था, लेकिन COVID-19 की तीसरी लहर और शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू होने की वजह से छात्र छात्राओं की उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते वे उन्हें नॉन कोविड में भी कोविड की तरह परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। एक बात क्लियर कर देता हूं, आपका जो पेपर आएगा वो 100% में ही आ रहा है, बाकी वहां पर आपको करना होगा 50%। यहां पर देख सकते हो कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे सी सेक्शन नहीं करना आपको, ए व बी सेक्शन ही करना है। साथ में प्रश्न पत्र में तीनों सेक्शन ए बी व सी में छपे होंगे, प्रश्न पत्र में केवल ए और बी सेक्शन करना है। ए सेक्शन के 10% के बजाय केवल 5% कर सकते हो, बी सेक्शन में 5% के बजाय 3% करने हैं, सी सेक्शन आपको प्रॉपर रूप से नहीं करना है, प्रश्न पत्र हल करते समय यूनिट की बाध्यता नहीं होगी। कुल मिलाकर आधा प्रश्न पत्र करना होगा, लेकिन पूरे रहेंगे लेकिन आपको करना होगा आधा। इसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि VV की स्नातक की परीक्षा 19 मई से शुरू होगी, इसमें भी स्नातकोत्तर की तरह परीक्षा पैटर्न रहेगा। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसके बाद जानते हैं सेकंड नोटिस के बारे में। ये देख सकते हो जो RU यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कि RU की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की UG परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी, जिसमें 4 लाख से अधिक नियमित और निजी छात्र शामिल होंगे। यह परीक्षा 29 जून तक होगी। स्नातक प्रथम पाठ की परीक्षा सुबह 11 से 12:30 बजे तक और 12:30 से 2:10 तक होगी। स्नातक दूसरे पार्ट की परीक्षा 3 से 4:30 बजे तक और 4 से 6:10 बजे तक होगी। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा 7 से 8:30 और 8:40 से 10:10 तक परीक्षा होगी, और PG का अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर जो UG के स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल जारी हो चुका है, लेकिन PG का अभी तक भी जारी नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों, आपको अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट जाननी है या कुछ भी जो नोटिस आता है वो जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, आपके मन में कोई भी डाउट है आपकी परीक्षाओं को लेकर, अपने एग्जाम टाइम टेबल को लेकर, आपके एडमिट कार्ड को लेकर, अपने एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिलता है। जितने भी स्टूडेंट करते हैं सभी को रिप्लाई मिलता है। बाकी आपकी इच्छा है, यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, वहाँ पर करना चाहते हो तो वहाँ पर कर सकते हो। बाकी आपके नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पूरा ज्ञान झाड़ दीजिए, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके, गुड बाय।